संभोग करने का भय, इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज आपके सामने हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। एक लड़का मेरे पास में आया, करीब करीब 6 महीने हो गए उसको शादी को, और पहले तो 2-3 महीने अच्छा चला, अभी पिछले 3 महीने से उसको प्रॉब्लम आ रहा है सेक्स करने में। और प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सेक्स करने के मतलब रोज़ सेक्स कर रहा है वो पत्नी के साथ में। प्रॉब्लम ये हो गया है कि शाम को 7 बजे से लेके अप्रॉक्सीमेटली वो 10 बजे तक सोता है, तब तक पत्नी के साथ में सोता है, 10 बजे 10:30 बजे तब तक उसको इतना डर लगे रहता है। और डर यह है कि मैं संभोग पत्नी के साथ में कर नहीं सकूँगा, और नहीं कर सका तो फिर क्या, उसको कैसे लगेगा, अभी नई नई शादी हो चुकी है तो उसको क्या कहेगी। बहुत ही डर लगा रहता है, शाम को 7 बजे से वो बहुत रेस्टलेस है, बहुत डर है, होगा नहीं होगा, क्या होगा, क्या बोलेंगे। और उसमें फिर धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि पिछले 15-20 दिन से 1 महीने से उसको अभी एक्चुअली लॉस ऑफ इरेक्शन है, मतलब कठोरता लिंग में बहुत ही कम आती है, थोड़ा बहुत कर सकता है वो इंसर्शन, हुआ तो हुआ नहीं तो नहीं हुआ। और फिर और उसको उससे टेंशन आ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, और वो एक विशेष साइकिल में वो फंस गया, अंदर चक्रव्यूह में अटक गया कि डर था इसलिए सेक्स नहीं, और सेक्स नहीं करके डर हो गया। अभी वो पत्नी को बता भी नहीं रहा कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और उसको जब मालूम भी नहीं, मतलब पत्नी को मालूम भी नहीं है और बता भी नहीं रहा है, और रोज़ अभी छुपाने का कार्यक्रम है। फिर अभी चालू हो गया कि मुझे पीठ में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, मैं आज करूँगा नहीं, या फिर अभी थक गया हूँ तो फिर कभी लेट जाना घर में, झूठ बोलना, वो पकड़े गया कि फिर उनके बीच में फिर तान तनाव कि तुम झूठ बोलते हो, पेट बोलते कभी दुखता है और बाकी खाना तो अच्छा खा लेते हो तो झूठ तो नहीं बोल रहे, या फिर बोलते कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, और बाद में घूमते रहते दोस्तों के साथ में, तो है क्या मामला। तो फिर वो अकेले आए, मतलब अभी पत्नी को भी लाया नहीं, बोले पत्नी को तो बता ही सकता नहीं मैं, ऐसा बताऊंगा तो निकल जाएगी वो। तो फिर मैंने बोला कि देखो आपको है परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से आप ग्रसित हो, पीड़ित हो कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा जब सेक्स के बारे में ऐसा विचार जब बार बार आते रहता कि होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली होता ही नहीं, क्योंकि सेक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बहुत टेंशन में हैं और सेक्स हो जाएगा, ऐसा होता ही नहीं। आपको बहुत भय है और इरेक्शन होगा, ऐसा होता ही नहीं। यदि आपको भय है दिमाग में, दिमाग में टेंशन है, बहुत तान तनाव है, कोई थ्रेट है, बहुत विचार आ रहे हैं, तो फिर सेक्स होगा ही नहीं, कैसे क्या होगा। तो उसको मैंने बोला कि अभी आपको मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक में आपको सिखाता हूँ, मैं आपको काउंसिलिंग बताता हूँ, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ, आपको भी क्या करना है कि अभी सेक्स बंद करो, सेक्स ही करने का नहीं जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक। बोले ऐसा कैसा, वो तो भाग जाएगी, वो तो टूकेगी नहीं। मैंने सब आपकी स्टोरी कहानी बंद करो, सबसे पहले आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा पत्नी के साथ में कि देख ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे को, तेरा मुझको मतलब तेरे से मुझे डर लग रहा है, और डर का भी रूपांतरण जो हो गया अभी इसमें हो गया कि अभी मैं इंपॉर्टेंट बन गया हूँ, नपुंसक बन गया हूँ। तो ये आपको पहले ऑथेंटिकली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, वो कहीं नहीं जाएगी जो आपके साथ में है 6 महीने से। पहले 3 महीने आपने अच्छा सेक्स किया, मतलब उसको मालूम है सब ठीक चल रहा है, उसको बोलो कि ऐसा प्रॉब्लम है, ये टेंशन है, एंग्जाइटी है। और फिर जब उसको ऐसा बोला तो उसने बोला ठीक है मैं बोलता हूँ, मतलब उसको लेके भी आ जाओ काम पड़ा तो। फिर पत्नी को लेके आया नेक्स्ट सेशन में, तो उसके साथ में बातचीत किया, उसने भी उसको एश्योर किया पत्नी ने कि मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मैं भागूंगी नहीं, मैं डिवोर्स लूंगी नहीं, कोई चिंता मत करो। और फिर उसको मैंने परफॉर्म करने के लिए बोला, और परफॉर्म मतलब नो इंटरकोर्स, इंटरकोर्स बंद, संभोग बंद, सिर्फ काम टेढ़ा करो, और काम टेढ़ा करो 2-3 दिन, और 3 दिन के बाद मुझे मिलो। स्टेप बाय स्टेप उसको मैंने, वो जो उसका डर था, एक फोबिया जैसा हो गया था, स्टेप बाय स्टेप उसका कम किया मैंने। और फिर 5-6 दिन के बाद में वो खुद ही आके बोला कि वो आपने डर निकाल दिया, मुझे कोई टेंशन नहीं था कि परफॉर्म करना ही है, सेक्स करना ही है, ऐसा डर नहीं था, सिर्फ खेलने का है, काम क्रीड़ा करने की है, तो उसमें इतना इरेक्शन आ गया कि मैंने उस दिन कर ही डाला। तो इस तरह से उनका वो क्लियर हो गया। मुझे यहाँ इतना बताने का है कि जब जब ऐसे दिमाग में आते रहते विचार कि जमेगा नहीं जमेगा, होगा नहीं होगा, तो उसमें काफ़ी सारी मतलब डायनेमिक्स होता है उसमें। एक होता है कि रोज 2-3 बार करने वाला व्यक्ति महीने भर के बाद में एक ही बार करता है तो उसको टेंशन आता है कि अभी कैसा होगा,
या फिर दिमाग के ऊपर कुछ लोड है, बिजनेस का लोड है, टेंशन है, स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम्स है, झंझट है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मेरे पास में कुछ लोग आते हैं कि उनके घर में दो ही कमरे हैं, एक कमरे में ये अभी नए जो शादी हुए वो सो रहे हैं, दूसरे कमरे में उनके माँ बाप सो रहे हैं, अब बीच में दरवाजा भी नहीं है, इनका थोड़ा सा भी हिलना डुलना हो गया तो उधर उनको मालूम पड़ जाता है, और ऐसे इसमें वो कैसे सेक्स करेंगे, कैसे क्या पॉसिबल है, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं है और सेक्स कैसा होगा, और वो टेंशन में फिर बराबर कर नहीं पाते, तो ऐसे काफ़ी सारे रीजन रहते हैं। इसमें बेसिकली ये है कि साइकोथेरेपी करके या काउंसिलिंग करके या पूरी डिटेल हिस्ट्री लेके रीज़न निकालने पड़ते हैं, सोर्स में जाना पड़ता है और वो ठीक हो जाता है। जैसे काफ़ी सारे लोगों की जिनको इसकी ज़रूरत होगी, तो ज़रूर आप लोगों को ये वीडियो शेयर करो, आपके जितने भी दोस्त होंगे उनको शेयर करो, ताकि प्रॉब्लम तो हर एक को कभी ना कभी आते रहता है, उनका प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे और अपना जीवन पावरफुली जी सकेंगे। वीडियो देखने के लिए, वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।